बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले कि आप मदद अपनी आईडी कैसे बनाएं, रजिस्ट्रेशन किस तरह करें। तो बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बात क्लियर करता हूँ चलूँ कि मदद पे आईडी बनाना क्यों ज़रूरी है, मदद है क्या, उससे फ़ायदा क्या है और नहीं बनाने पे वो हमारे क्या। तो जैसे आप लोग सबको मालूम है कि सोशल मीडिया पे बहुत गहमा गहमी बहुत ज़्यादा ही बात चल रही थी कुछ दिन पहले और आज भी कि मदद डॉट कॉम है, मदद जो लॉन्चिंग की गई है। तो यहाँ ये हम लोग के फ़ायदे के लिए डिजिटल के लिए डिजिटल आईडी, आप जैसे जान लोगे पूरा सऊदी अरब डिजिटल आईडी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो भाई मेरा बस यही कहने का मतलब है कि आप लोग भी डिजिटल की तरफ है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई चीज़ तो आपको अब समझना पड़ेगा क्योंकि अब मजबूरी हो गई। पहले हमको कुछ नहीं पता था, हमारी सैलरी कितनी है हमको नहीं पता था, कफिल ने कुर्सी पर क्या सैलरी लगाई हमको नहीं पता, तो कफिल कुछ भी लिख लेता था। आपके ऑप्शन में क्या क्या कफिल ने डाला, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आपके सामने खुद हैं, सारे रिकॉर्ड्स खुद हैं आपको। और भी बहुत सारे वेबसाइटें हैं जैसे कीवा हो गया, ये हो सारी चीज़ें। तो उस तरह मदद भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर होगा, आप किसी कंपनी अपनी कंपनी को चेंज करना चाहते हैं तो मदद में ही आपको जाके चेंज करना पड़ेगा। वहाँ आपको निज़ाम आएंगे, बाद में आपकी कंपनी में कितने टोटल आदमी हैं वहाँ आपको सारी रिपोर्ट देखने को मिलेगी। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं मदद के। तो मदद पे आईडी रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में मैं आपको घर जाना है तो अब आप मदद से ही अपनी छुट्टी लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिस तरह अफसर के फ़ायदे हैं, आपको तवक्कलना के फ़ायदे हैं, आपको क्यूआ के फ़ायदे, उस तरह मदद डॉट कॉम जो सऊदी अरब की तरफ से लॉन्च की गई, ये भी एक वेबसाइट है जिसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, लोगों को बताना है कि आपका ये हक बन रहा है, अपना हुकूक जाने। तो जैसे क्यूआ पे मैंने बताया कि आप अपना हिसाब चेक करें क्यूआ पे हिसाब, जैसे अगर आपको अपनी वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि क्यूआ पे अपना हिसाब कैसे चेक करते हैं। तो उसमें क्यूआ में बताया गया अपना हुकूक, अपना हुकूक यानी आपका हक। तो अगर आप अपना हक के लिए लड़ेंगे तो आपकी एक से दो, ये जैसे बहुत से भाई लोग को हरूब लग गया, अब वो भाई कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, काट रहे काट रहे काट रहे, पर हिसाब के बारे में ऐसा नहीं है। हुकूक के बारे में सऊदी हुकूमत बहुत टाइट है अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक से दो पेशी में आपके, अगर आप घर जा रहे हैं, आप 10 साल जॉब कर लिया सऊदी में, 20 साल जॉब कर लिया, आप घर में जाना घर जाना चाहते हैं, आपका कफिल तो घर आपको भेज देगा आराम से, पर आपका जो हिसाब बनता है 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल का, जो आपका जो रिटायरमेंट का फंड बनता है वो आपको नहीं देता है। आपकी सैलरी वगैरह जो बाकी 3-4 या 6 महीने की जो भी बाकी, वो आपको देख के बोलता है जाइए। आप अपना हिसाब खुद से चेक कर सकते हैं क्यूआ पे जाके, मैंने वो बताया है, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा एक बार, मैं फिर बता दे रहा हूँ। तो आप बहुत आसानी से अपना हिसाब चेक कर सकते हैं कि मेरा क्या है, और रजिस्ट्रेशन किस तरह क्यूआ पे, मैंने उसका भी लिंक दे दूंगा, आप वो भी कर सकते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए आज हम मदद पर देखते हैं आपकी आईडी किस तरह बनती है। तो चलिए इस पर हम मुकम्मल बात करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद हम लिखेंगे मदद लॉगिन, देख सकते हैं हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं मदद, यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हैं पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं मेरा आपका आईडी है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ साइनअप पर आ जाएंगे। साइनअप पर आने के बाद आपसे पूछ रहा है कि अपना कामा नंबर यहाँ डाले, तो हम अपना कामा नंबर डाल लेते हैं, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते जो नंबर आपका अफसर से रजिस्ट्रेशन होगा उस नंबर पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी यहाँ डाल देंगे हम। उसके बाद से वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं एक्सेप्ट द टर्म कंडीशन सारी चीज़ें हैं, तो हम इसे यहाँ आई एक्सेप्ट द टर्म एंड सेंड कंडीशन पे ओके करेंगे, एग्री पे ओके करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं अब आपसे बोला जा रहा है कि
कि आप अपना कॉमन नंबर आपका ऑलरेडी आ गया, अब यहाँ आपको यूज़र नेम बनाना है, यहाँ पासवर्ड बनाना है, या कंफर्म पासवर्ड, यहाँ आपकी जीमेल, उसके बाद कंफर्म ईमेल, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, साइन अप करेंगे। चलिए हम डाल लेते हैं, तो अपना हम नाम बना लेते हैं, नाम मैंने बना लिया। उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चलो कि पहले अल्फाज जो पहला वर्ड होगा वो बड़ा होगा, ए बी सी डी जो भी हो पहले बड़ा होगा, उसके बाद आप छोटे कर सकते हैं, उसके बाद से एक स्पेशल स्पेशल जैसे आपको माइनस प्लस डॉट ये सारी चीज़ें एक स्पेशल वर्ड डालना पड़ेगा बीच में। उसके बाद आप एक दो चार नंबर लगा सकते हैं, जैसे 123 786 या 780 कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ अपना ईमेल डालेंगे, जीमेल कंफर्म। उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर हम डालेंगे, और उसके पास साइन अप पे क्लिक करेंगे। सॉरी नंबर गलत हो गया, 0 नहीं लगाना है हमको, 0 लगा दिया मैंने। यहाँ आप सिर्फ 0 के बाद वाला नंबर डालेंगे, उसके बाद से हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी हम डालेंगे, ओटीपी आ गई हमको मदद की तरफ से। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं अब यहाँ आपकी आईडी सक्सेसफुली हो गई है। अब यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि अब अपनी आईडी आप सिंग इन करें, तो चलिए हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेते हैं जो हमने बनाया है। उसके बाद नीचे हम पासवर्ड डालेंगे जो हमने वहाँ पासवर्ड क्रिएट किया था। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आपके मोबाइल पे एक ओटीपी फिर आएगी। फिर यहाँ ओटीपी हम डालेंगे, प्लीज इंटर द ओटीपी। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपके सारे सिस्टम आ गए, ये आपके आईडी नंबर आ गई, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन कितनी आसान तरीके से हो गया है। और इसके अंदर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बहुत सारी बातें होंगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं, ऐसे क्या क्या चीज़ें आप उठा सकते हैं, क्या चीज़ करें, पर अभी अब वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं ज़्यादा और बात करूँगा। आप देख सकते हैं मेरे जीमेल पे एक मैसेज भी आ गया है मुद्दत की तरफ से कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की कि आपको भी मुद्दत पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, क्यों रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो हमेशा वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जिससे आप लोग का फ़ायदा हो, डिजिटल अकाउंट की तरफ आप लोग पूरी दुनिया बढ़ रही है, सऊदी अरब खास करके ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम आप लोग भी बढ़ना चाहिए। और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ कि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।